अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो जी, इस वीडियो में मैं किसी स्मार्टफोन के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि इधर मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो आपको कम प्राइस टैग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है, विच इज़ जॉय रूम वायरलेस एयरपॉड्स। तो ये जॉय रूम के एयरपॉड्स है, इधर इसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, इसका रिव्यू करूंगा, तो आपको मैं मुकम्मल गाइड कर दूंगा कि ये एयरपॉड्स आपको कितनी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भैया, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी लोग जो एयरपॉड्स के फ़ैन हैं, जो कि एप्पल के, जो कि सैमसंग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी रेंज या इतना बजट नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको जस्ट 3000 में, जस्ट 3000 में आपको उन जैसी जो क्वालिटी है, जो लुक है, जो परफॉर्मेंस है, जो साउंड क्वालिटी है, वो देखने को मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो भैया, इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और ये वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। जस्ट 3000 का ये प्रोडक्ट है, तो आप बाय कर सकते हैं। सो टाइम इसके बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ये रहा जी इसका बॉक्स। तो इधर आपको फ्रंट पे एयरपॉड्स देखने को मिल जाते हैं और ये बैक पे आपको नज़र आ रहा है, आपने शॉर्ट्स भी देखे होंगे। तो इधर आपको 2 घंटे का कॉलिंग टाइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। 45 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, तो इधर आपको आराम से 8 से 9 घंटे तक इसका जो है बैटरी बैकअप, बैटरी टाइमिंग है, वो देखने को मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ कि इस प्राइस टैग में एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छी जो आपको क्वालिटी है वो देखने को मिल रही है। इधर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कवर रिमूव कर लेते हैं। हियर वी गो। ओ सो ज़बरदस्त। तो इधर ये रहे जी एयरपॉड्स, ये हमको, हम बाद में देखते हैं इनको। इधर आपको केबल भी मिल जाती है, तो इधर आपको USB टाइप सी केबल देखने को मिल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यार, मैं समझता हूँ कि ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इधर आपको माइक्रो USB की बजाय USB टाइप सी देखने को मिल रही है, जो कि आजकल यानी कि अब मोस्टली मोबाइल में USB टाइप सी आपको देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एनीवेज। तो इसके बाद अगर इसके नीचे देख लें तो इधर आपको ये यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगा। तो इसको अब हम साइड पे रख लेते हैं। तो इधर इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो इधर आपको प्लास्टिक की अच्छी वाली बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इधर जो कलर कम्बिनेशन है रेड एंड वाइट, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक कलर कम्बिनेशन है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। इधर आपको वाइट कलर के एयरपॉड्स देखने को मिले और इनर केस जो है वो आपको रेड कलर का देखने को मिला है। तो इधर ये आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिले हैं, जो कि शो करते हैं कि आपकी कितनी बैटरी रह गई है। तो इधर आपको 2 कलर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, मैं आपको दिखा दूं। ये बॉक्स पे आप देख सकते हैं, एक तो ब्लैक और आई थिंक वाइट या रेड है, तो इधर दूसरा जो है वो वाइट एंड रेड है, जो कि अभी मेरे पास है। तो इधर यार पर्सनली तौर पर जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका कलर कम्बिनेशन है, सॉरी, मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी हद तक पसंद आया, मैं तो इनका फ़ैन हो गया हूँ लिटरली यार। तो इधर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो इसकी शेप है, जो आईफोन के एयरपॉड्स आ रहे हैं उनकी तरह काफ़ी मिलती जुलती है, काफ़ी मिलती जुलती है। इधर जो ब्लैक कलर का ये रिबन टाइप है, ये भी इसको काफ़ी कूल लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो इधर टॉप पे आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप टच करके इसको फुली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कि किस तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इधर ये भी ब्लूटूथ इंडिकेटर है, जो कि आपको शो करते हैं कि ये आप कनेक्ट हो चुके हैं। तो इधर जो इसकी मैग्नेटाइजेशन है, जो मैग्नेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, जो कि एक अच्छा इम्प्रेशन इस पे डाल रही है, ये आप देख सकते हैं। जो इसका कवर है फ्लिपर, वो काफ़ी जो डिसेंट और काफ़ी अच्छा है। इधर आपको स्टील की, ये आप देख रहे होंगे अगर नज़र आ रही हो, स्टील की जो पिन है वो देखने को मिलेगी।
तो इधर यार इधर इन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया, यकीन करें। सो मैं आगे चल के आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसको आप किस तरह टच कंट्रोल के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं। तो here we go। तो जी अभी मैंने ये एक वीडियो प्ले कर ली है और ये जो एयरपॉड्स हैं इस मोबाइल के साथ कनेक्ट है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो इसका टच कंट्रोल है वो किस तरह काम करते हैं, कौन सी कमांड है और कितनी तेज़ी से काम करते हैं। अगर आप एक दफ़ा टच करते हैं तो वीडियो प्ले और पॉज हो जाती है, अगर आप दो दफ़ा करेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगा, अगर राइट साइड पे करेंगे वॉल्यूम अप हो जाएगा, अगर लेफ्ट वाले पे करेंगे यानी कि लेफ्ट एयरपॉड्स पे करेंगे तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, अगर आप तीन दफ़ा प्रेस करेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्ले हो जाएगी, अगर आप लेफ्ट वाले पे करते हैं तो जो प्रीवियस वीडियो वो प्ले हो जाएगी। अगर हम एक दफ़ा इसको टच करेंगे आप देख सकते हैं तो इधर जो वीडियो है वो प्ले हो चुकी है। ये अगर आप यू कैन से डैट कि कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, दिस इज जस्ट टू गुड। अगर आप इसको दो दफ़ा करते हैं तो ये वॉल्यूम अप हो जाएगा, अगर तीन दफ़ा करते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्ले हो जाएगी, एंड दिस इज जस्ट टू गुड। आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट वीडियो, वाओ। अब अगर आप ये करते हैं वो, ये अभी वॉल्यूम अप है तो अभी शो नहीं हो रहा, कॉपीराइट आएगी ना आ जाए। तो ये अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट वाले को उठाता हूँ तो अभी आप ये देख सकते हैं ये प्रीवियस जो वीडियो है वो प्ले हो गई है। दिस इज जस्ट टू फास्ट एंड टू क्विक यार, यू कैन से डैट, सॉरी यू कैन चेक डैट। अगर आप डबल प्रेस करते हैं तो जो इसका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, एंड दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। ये आईपैड जो है, मतलब के एप्पल के आईपैड कह रहा हूँ, एयरपॉड्स हैं, उनको काफ़ी टफ टाइम दे सकता है। अगर आपको कॉल आती है कोई, अगर आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं यू हैव टू प्ले सॉरी टच वन टाइम, जो इसका टच सेंसर है तो जो कॉल है वो पिक हो जाएगी। तो अभी मैं आगे चल के जो कॉल यानी कि सैम्पल है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो जी अभी मैं इस पर कॉल करने लगा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इसका टच रिस्पॉन्स है कितने फास्ट है, कितना फास्ट है और कितनी जल्दी काम करता है। सो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ इस नंबर पे, वेट अ सेकंड। सो अभी आपको पता चल जाता है, जस्ट आपको एक दफ़ा प्रेस करना है तो जो इसकी कॉल है वो पिक हो जाएगी। ये देखें जस्ट पिक, दिस इज़ जस्ट टू गुड यार। और अगर आप दूसरी दफ़ा टच करते हैं तो कॉल जो है वो कैंसिल हो जाएगी, कॉल एंडेड, एंड दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। और ये जो इसकी साउंड है वो मैं आपको आगे चल के इसका एक्सपीरियंस शो करता हूँ, तो अभी आप ये देख सकते हैं यार। और क्या चाहिए आपको, 3000 इसका प्राइस टैग है, और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी साउंड है, बेस है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी है। तो ये आपको जब इसमें पुट कर देने हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ हो जाएंगे। सो एट द एंड अगर इसके जो साउंड है, जो बेस है उसकी बात करें तो इधर जो साउंड क्वालिटी है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इस प्राइस टैग के लिहाज से अगर बात की जाए तो इधर जो इसकी साउंड क्वालिटी है मैं उसको पॉइंट दूंगा 9 out of 10। अगर बेस की बात करें तो इधर उसको इसको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो 8 out of 10 है। इधर जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस क्वालिटी है वो काफ़ी सॉफ्ट है, आपको यू कैन से डैट पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं छनकार किसी चीज़ की, वो देखने को नहीं मिलती। इधर आपको डायरेक्ट कान में जो साउंड है वो जाती है और काफ़ी सॉफ्ट साउंड है, और जो इसकी शेप है मुझे काफ़ी पसंद आई है। इधर आप ये इसको लगा के काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लैक्स कर सकते हैं और अगला बंदा समझेगा कि ये जो बंदा है यानी कि अमीर तरीन बंदा है और एप्पल के एयरपॉड्स यूज़ कर रहा है, जो इसकी शेप है वो काफ़ी उससे मिलती जुलती है। तो इधर बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी ये जो एयरपॉड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, टच कंट्रोल के लिहाज से भी, इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यू कैन से डैट व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू वॉइस मैसेज जो है वो सेंड कर सकते हैं, मैंने किए हैं, आपको काफ़ी अच्छी इधर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलती है। अगर आप इनको एप्पल के एयरपॉड्स से कंपेयर करते हैं तो उसके लिहाज से यू कैन, आपको पता है कि वो जो है वो हाई एंड एयरपॉड्स हैं, जो उनकी प्राइस है वो तो हज़ारों में जाती है, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया, और ये जस्ट आपको 3,000 में देखने को मिले हैं। तो मेरे लिहाज से अगर आप कोई एयरपॉड्स बाय करना चाहते हैं तो इनको मस्ट ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई कीजिएगा, ये आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस है, जो ड्यूरेबिलिटी है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। इधर आपको जस्ट
20 से 30 मिनट तक इनको चार्ज करना है और आप 8 घंटे तक इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो इट वॉज ऑफ ऑन माई साइड, थैंक यू।